चलो कहीं लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, कहीं सुकून से बैठ के बात तो कर सके। बाद में चलेंगे ना, मुझे भी देर हो रही है, रात भी तो हो गई है। विनी, मैं तुम्हारे लिए हर वक्त अपनी जान देने के लिए तैयार, और तुम मुझे इनकार करियो मुझे। शिम्मी क्या हुआ, बहू के घर से सामान आ गया? तुम्हारे सामने बैठी है, खुद पूछ लो। वैसे बेटा बुरा नहीं मनाना, मैं तो सिर्फ इसलिए पूछ रही हूँ कि हमें बताया गया था कि शादी के बाद बहुत ही शानदार जहेज आने वाला है, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। और तो और शिम्मी, तुम्हें याद है मैंने तुमसे कहा था अगर शादी हो गई ना तो उसके बाद कोई सामान नहीं आएगा? हर वक्त काम की बात भी तो करते रहते हो, मेरी कोई परवाह है किसी को? सुना नहीं आखिरी अल्फाज क्या कह रही है वो, काम का कुछ बना? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे अब तक ये घर तुम्हारी कमाई पे चल रहा था। ना मेरे साथ तमीज से बात किया करो, तुम बहुत अच्छी तरह देख रहे हो किधर से शय मिल रही है तुम्हें, इस तरह ये ताने देती है ना अब्बू को अपनी कमाई के, तुम भी यही कर रही हो। यार इन लोगों के अफेयर का चक्कर तो चका मशहूर है, ये लाइल ना बड़ा ही कोई फ्लर्ट और कमीने किस्म का इंसान है। बहरहाल ऐसी लड़कियां तो खूब आती हैं जिंदगी में, खूब जाती हैं। आज से तो सिर्फ और सिर्फ मेरी, सिर्फ मेरी।